और दो लाड लो, फाइनली आ ही गया है वो टाइम, निकल चुका है घर से जस्ट अभी अभी। अभी टाइम हो रहा है 3:38, तो लगभग 3:30 हम निकल चुके हैं घर से। अभी जाना है हमें सिंगू बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर मिलेगा दोस्त, और बीच में एक बार पेट्रोल डलवाना है। बाकी कैसा लाइट है, ये अभी चेंज करवाई थी, HDD की लगवाई थी मैंने लाइट, तो ये बताना इसका थ्रो कैसे आ रहा है। मैं तो सोच रहा था रोड पे इस टाइम कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ दिख रही है एक दो बाइक की लाइटें दिख रही है। तो भाई हरियाणा में एंटर कर चुके हैं, ये रही अपनी बाइक। अभी बस निकल रहे हैं, लाइट आ रही है आगे, तो फंस गया। काफ़ी टाइम लगाते हैं, अच्छा है वो क्योंकि हमारा मीटिंग पॉइंट तो पीछे था, लेकिन भाई थोड़ा जल्दी तो भाई जैम हो रही थी, बोलेगा नाम ले लेगा। रोशनी आ चुकी है, लड़ लो। लगभग हम आ चुके हैं घर से 110 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी 16 किलोमीटर बाद और रुकेंगे आगे चल के। अभी टोटल टाइम बचा है 4.5 घंटे का। अभी बीच में रूट अलग दिखा रहा था तो रोक के देखा था, क्योंकि गूगल बाबा का कोई भरोसा है नहीं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो इस चक्कर में एक बार रोकनी पड़ गई थी। तो जब से रुके तो है नहीं, हम जब से चले हैं लगभग 100 किलोमीटर कवर करने के बाद ही रुकेंगे अब। अब हो गई है रोशनी, हो गई है अब अच्छे से, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं पर अब दिख रहा है रोड। खाली खाली दिख रहा है सब कुछ चलाने में, तो अभी तो मज़ा आ रहा है। अभी कोई थकान नहीं है, कुछ भी दुख नहीं रहा, अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है। रुकने का मन ही नहीं कर रहा, पर फिर भी सोच रहे कि पानी वगैरह पी लेंगे, डिहाइड्रेशन ना हो बस चलते चलते। उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए यार, ट्रैवलिंग में ना सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन ही होता है, क्योंकि चलते रहते हैं, पानी पीने का ध्यान नहीं रहता। इसलिए अभी जब तक हाईवे पे चल रहे हैं, जब तक हम 100 किलोमीटर पे ब्रेक लेंगे। अम्बाला भी लगभग ज़्यादा नहीं है, लगभग 70-75 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। बाकी ऐसी तुम घर पे बैठ के सो रहे होंगे और हम देखो कहाँ है। अब थोड़ी सी स्पीड तेज़ हुई है, क्योंकि पहले रोशनी नहीं थी तो ट्रक वगैरह थे, सामने से भी लाइट लग रही थी तो दिख नहीं रहा था इतना ज़्यादा। अब रोशनी स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा तेज़ चल सकते हैं। अभी 213 किलोमीटर बचे हैं। बाकी अब सीधा होटल पे ही देंगे अपडेट, जो भी होगा कहीं पे रुकते हैं अभी बीच में। यहीं पे खड़ी है, अभी अम्बाला से आधा घंटा पहले रुके हुए हैं हम। इधर एक ढाबे पे ये है, हमारे सूर्यदेव भी निकल चुके हैं, इधर चाय वगैरह पी के चलेंगे। ब्रेकफास्ट आगे चल गई, कुछ ऐसी हाल है। हाँ भाई क्या क्या है यार, पता नहीं है फोन निकला कैसे है? पता नहीं यार कैसे निकला, फोन गया। पता ही नहीं रहा, दिमाग खराब हो गया यार इसके चक्कर में। अब पता नहीं कहाँ ठीक होगा ये है? फोटो खींच लेते हैं। लो भाई पंजाब में एंटर कर दिया। देखो ये बाइक इधर खड़ी कर दी है, ये देखो ढाबे की सजावट है। भैंस यहीं से दूध निकल के यहीं पे चाय बनेगी। हमारा टम्पू टम्पू सब ठीक ला रहे हैं। ये बड़ा पहलवान है, बड़ा बढ़िया कसरत मार ला। और वो भाई अपना गोप्रो सेट करने ला गया। पानी, बंदर, आदमी, कुश्ती, सरदार जी, इधर कंचे खेलने लग रहे बालक। रही बलोगा घी काटने लग रहे हैं। बाकी इधर अपना बातचीत चल रही है। जो अपना धर्मेंद्र का स्कूटर खड़ा है यार। बाकी सजावट बहुत बढ़िया कर रखी है इसमें। बाकी खाना खा के देखेंगे कैसा है खाना। अब रुकेंगे और काफी आगे चल के रुकेंगे। हाँ पेट्रोल तो भाई बाइक की बाइक थोड़ी एवरेज कम देती है तो पेट्रोल मेरी का तो तभी पता चलेगा जब रिजर्व में लगेगी। बाकी डलवा लेंगे हम भी जितना आ सकेगा इसमें। चलो निकलते हैं। काफ़ी देर रुक गए यहाँ पे, आधा घंटा पौना घंटा तो हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारी रहेगी कि जहाँ पे हम लंच करेंगे वो रहेगी शिमला। बाकी देखते हैं क्या रहता है। सोच तो हम शिमला की रहे हैं कि वहाँ पे लंच करेंगे। लो भाई पेट्रोल पंप भी आ गया है। पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। कट पे रोक दियो, जहाँ कट लग जाए रोक। ₹750 का आया है हाँ। और मैंने वहां से जब दिल्ली से चला था जब ₹1200 का फुल करवाया था हाँ। चलो भाई निकलते हैं। पेट्रोल लगभग लगा लो ₹750 का पेट्रोल वहां से यहाँ पर खर्च हुआ है। 250-300 किलोमीटर अभी फिर भाई डलवा रहा था तो मैं भी छोटा डलवा ही लेता हूँ। देख लो भाई देखो दिखाता हूँ ये खरीद दोनों भाई के बारिश आ रही है। ये खड़ी है भाई बाइक है। हालत देख लो कैसी हो रखी है दोनों बाइकों की। बारिश के चक्कर में बहुत लेट हो गए। ये भी कवर किए लेकिन भीग गए, इधर से भीग गए सारे। ये अपना बर्बाद हो जाओ। बाकी बारिश तो अभी बंद हो चुकी है। ये रेनकोट तो अंदर ही डालना पड़ेगा। ये पैंट तो पहने रहते हैं सारे। अब गोप्रो लगाने का टाइम आया। सोलन से आगे पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल। पीछे का नज़ारा देख लो, पहाड़ों से पहले बारिश स्टार्ट हुई थी। पहाड़ों में काफ़ी 60-65 किलोमीटर आगे आ गए। हाँ, लगभग सोलन क्रॉस करके 10 मिनट हुए, 10-15 मिनट हुए। और रास्ता बहुत ख़राब है, लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, हर जगह लैंड स्लाइडिंग है। तो बारिश के बाद अभी बारिश बंद हुई थी, अभी रुके थे चाय ब्रेक के लिए, अभी निकल रहे हैं। कैसा व्यू आ रहा है, रास्ता बहुत खराब है। अब रास्ते में ना मिट्टी मिट्टी हो गई है, जूते सारे गीले हो गए। अब देखो नज़ारे, तुम बारिश के चक्कर में कैमरा भी ऑन नहीं किया जा रहा था। अब देखो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, सोलन से भी ऊपर आ गए हैं। अभी शिमला जाके ही लंच वगैरह करेंगे। अभी टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी टाइम हुआ है 11, 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो सकता है अभी। और देखो मौसम कैसा है। चलो ये तो है, खुल तो गया मौसम, सबसे बढ़िया बात ये है। बाकी जो भीगे वो ठीक है, बस आगे के लिए अब रास्ता ठीक हो जाएगा। रोड भी सूख गए हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस अब यार रास्ते थोड़े से ठीक आ जाए, रास्ते बहुत ख़राब चल रहे हैं अब। पीछे रह गया थोड़ा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अभी आ ही रहा है पीछे पीछे वो भी। बाकी तो सब ठीक है, कोई नहीं। बारिश आई भाई, ट्रिप का था एक ऐसा एडवेंचर लगा लो कि हाँ ये होना था, कोई नहीं। लेकिन जो फ़ोन की स्क्रीन टूटी ना, वो सबसे थोड़ा सा ना वो दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। स्क्रीन टूट गई है फ़ोन की, और पता नहीं यार ये खुला कैसे, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसे ही पड़ा, ये खुल ही नहीं रहा। इसमें फ़ोन था तो ये खुल गया। बाकी छोड़ो, जो होना था वो हो गया है। बाकी सामने के नज़ारे देखो तुम, बादल बिल्कुल पहाड़ों के नीचे आ चुके हैं। अभी यहाँ से 40 किलोमीटर बचा है शिमला। अब शिमला जाके ही रुकेंगे, लेकिन अब बारिश में ना हमने बहुत 60-65 किलोमीटर कवर कर दिए बारिश में। देखो अब जो ये आ रहा है ना, ये कीचड़ वाला रास्ता, अब ये दिमाग ख़राब कर रहा है। और बीच में ना काफ़ी जगह रोड टूटे हुए हैं, तो मिट्टी वाले में तो सारा ऊपर ही आ रहा है। बाइक की हालत देख ली है क्या हो गई है, धुलवानी पड़ेगी बाइक भी कहीं पर। बारिश के उससे थोड़ा सा ख़राब हो गया, नहीं तो सब बढ़िया चल रहा था। और एक फ़ोन, पता नहीं वो ठीक होएगा या नहीं होएगा, या वापस दिल्ली जा के ही ठीक करवाना पड़ेगा, पता है। देख रहे हो कैसे पहाड़ के बीच में से रोड काट के निकाल रहा हुआ। ये एक पहाड़ था, पहाड़ काट दिया बीच में से। थोड़ा सा उधर हिस्सा बच गया, थोड़ा इधर रह गया। बस यार अब आगे के ट्रिप पे बारिश ना मिले, इसने ही थका दी है बारिश से तो। और पहले ही चेक करके आया था मैं कि बारिश थी नहीं, एक हफ्ते तक नहीं थी बारिश। पता नहीं एकदम कैसे, वही है ना भाई राम जी का पता नहीं है ना किसी को, कैसे क्या रहेगा। बाकी अब ऐसे ही रोड सूखे हुए मिल गए तो ठीक हो जाएगा मामला। रामनगर पहुंचने का था आज, तो देखो क्या रहता है। और दूसरा भाई भी थक गया है, थका नहीं है वो, थोड़ा रात को सोया भी नहीं, तो देखते हैं क्या रहता है। भाई लाड लो, शिमला में पहुंच चुके हैं। उस साइड देखोगे टॉप पे बिल्कुल जय हनुमान जी जाकू टेम्पल महाराज की मूर्ति दिख रही है बिल्कुल टॉप पे। वो शिमला का टॉप है, उससे ऊपर शिमला में कुछ नहीं है। तो लास्ट टाइम आया था तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जाकू टेम्पल की देख सकते हो। वहाँ की चढ़ाई बहुत मतलब हाँ है, गाड़ी के लिए खतरनाक है, बाइक तो ठीक है चली जाएगी, पतला सा रोड है। बाकी ये लगा लो शिमला में ही एंटर कर चुके हैं हम। शिमला शहर सीधे वो रहा क्लॉक टावर शिमला का। मॉल रोड पे जो है शिमला के बाहर, बाहर से ही निकलेंगे, शिमला के अंदर घुसेंगे नहीं। वैसे भी ज़्यादा लेट हो चुके हैं यार। चलो वहाँ के बाद तो सोलन के बाद तो रास्ता सही मिला है, कीचड़ वगैरह भी नहीं था, रोड टूटा हुआ भी नहीं था। अभी तो ये लगा लो 3 घंटे और है, नॉन स्टॉप चलेंगे तो 3 घंटे है हमारे डेस्टिनेशन के रामपुर के। यार रामपुर ना मिनिमम करना ही पड़ेगा अगर आपको टाइम से कवर करना है तो, नहीं तो बीच में एक दिन का स्टे एक्स्ट्रा हो जाएगा, उससे यार कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और शिमला आ गया ना तो जाम मिलना तो स्टार्ट होना ही होना है। अभी तो लंच करना है, लंच बचा हुआ है, 2 बज चुके हैं। और सुबह 1:30 परांठा ही खाया था हमने, क्योंकि ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए ना, गोल गोल घूमते रहते हैं तो ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं चाहिए। भी कैमरा ऑन किया है ये दिखाने के लिए। भाई क्या रोड है यार, भाई जन्नत है, बिल्कुल जन्नत। यार दोनों तरफ पेड़, और यहाँ पे ठंड इतनी बढ़ चुकी है ना एकदम से, क्योंकि धूप इधर, हाँ सब थकान वगैरह सब उतर जाती है एक बार में ऐसे नज़ारे देख देख के। भाई खाने को ये मिला अभी क्रीम रोल, अच्छा है, इसमें लगा कुछ अलग टेस्ट है। और अभी पहुँच गए यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर बचा भी रामपुर। हाँ डिफरेंट है ये कुछ, वही तो बता रहा हूँ मैं कि कुछ तो अलग है, बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारे वहाँ मिलता है उससे अलग है। वो टाइट टाइट होता है सॉफ्ट, एक तरह से बीच में क्रीम भर दी है। ये बाइक खड़ी, कंधे दुखने लग गए, कंधे दुख रहे थे वो मेरा नहीं दुख रहा, मेरा तो कंधे दुख रहा। चलो खा लेते हैं, कभी ऑमलेट हो रहा है, इसके बाद वो खाएंगे। अरे रामपुर पहुँचा के रहेंगे, तुम्हें पहुँचा के रहेंगे किसी भी हाल में। यही नज़ारे तो बुलाते हैं पहाड़ों में बार बार, वही सेम जगह है, यही नज़ारे तो बुलाते हैं लोगों को, यही देखने आते हैं। रामपुर 67 बचा है अभी, तो बोला तो था रामपुर तो लगाएंगे ही लगाएंगे जोश अलग ही आ जाता है ऐसा देख के। हाँ लगभग ड्राइविंग करते हुए हो गए, हाँ 14 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा आराम से ब्रेकर टाइप में बना हुआ है कट लगते ही बंद कर दो। कार्ड चल जाएगा ना, चल जाएगा। सेम उतना ही डला है जितना वहाँ से डला था ना, जितना हमने अम्बाला से डलवाया। देखो ये है हमारे लेफ्ट में रामपुर, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा इसमें गोप्रो में नाइट में, फिर भी अपनी कोशिश तो करेंगे हम दिखाने की। दस्ताना गिरा दिया यार जस्ट यहीं पीछे। यहीं तो स्टार्ट किया था मैंने। मिल गया। लो भाई व्लॉगिंग के चक्कर में दस्ताना भी गया था। तो यहीं पे याद आ गया ना, इसलिए मिल गया। हाँ चल देख लो भाई, रामपुर शहर दिख रहा हो तो तुम्हें। नीचे उतरना है क्या, ऊपर चलना है? ऊपर तो इसका मतलब ये रामपुर नहीं है अभी। अच्छा तो लाडलो रामपुर पहुंच गए हैं। अभी दिखाऊंगा मैं लेफ्ट में थोड़ा सा। अभी जो ये लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये लाइटिंग दिख रही है, ये सारी रामपुर की है। 16-17 घंटे हो गए लगातार ड्राइव करते हुए, और यही हमारी आज की डेस्टिनेशन थी, और ये भी सही सलामत पूरी हो गई है। ये देख लो, अभी सामने दिख रहा होगा आपको। एक्शन कैम में पता नहीं कैसा दिखेगा, लेकिन अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। और यार तुम वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब तो करते नहीं, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो अच्छी लगे तो। और कुछ किसी को कुछ डिटेल पूछनी है इस ट्रिप के बारे में या इससे कुछ भी रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आपको। अभी कितने किलोमीटर बता रहा है? काजा 305 किलोमीटर कवर करने हैं कल। 305। आज कितने किलोमीटर कवर किए हैं? आज कितने किलोमीटर कवर किए हैं? आज लगभग 500 किलोमीटर कर दिए होंगे। 480 किलोमीटर हो चुके हैं भाई। देख लो भाई, ये मार्केट है रामपुर की, जो 8 बजे बंद हो गई है। अगर किसी को आना है तो ये जरूर ध्यान रखे कि 8 बजे सारी मार्केट बंद हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ वहीं स्टॉप। अब जिंदगी खराब हो जाएगी यहाँ 8 बजे के बाद। अब बंदा पहुंचे ही रात को ही पहुंचेगा, तो ऐसे शहर में तो कम से कम दुकानें खुलनी चाहिए, कम से कम 10 बजे तक। तो रिसेप्शन है, इधर से 2 मंजिल नीचे उतर के आए, अभी 3 मंजिल वहाँ तक लास्ट जहाँ तक दिखता है वहाँ तक उतरना है। और नीचे नदी है तो पाकिस्तान को पानी जाता है, बाकी थोड़ा बहुत करते हैं। चलो ये देखो, ये ऐसे गैलरी बना रखी है यहाँ पे, और इधर 208 नंबर बोलो भाई। तो सबसे पहले देखा जाता है। अरे यार क्या दिखा तो सफाई वगैरह ठीक है, सारी। बाकी टीवी है, पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है। ये शीशा, ये देखो सामान ही सामान, चारों तरफ सामान फैला पड़ा है, सामान रखने की जगह नहीं बची है। ये था। बाकी ये रूम हमें पड़ा है 1200 रुपये में, पर पर्सन लगा लो 600 रुपये। वैसे पर पर्सन के हिसाब से देखे तो सस्ता है, 1200 रुपये के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक है। चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। 16-17 घंटे लगातार ड्राइव किया है, और उसके लिए तो यार एक सब्सक्राइब का बनता है, फटाफट एक सब्सक्राइब यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा दो सारे के सारे। सुन लेना भाई ने क्या बोला है, भाई ने जो बोला वो करने का है। चलो ठीक है, बाय बाय।